तो आज हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल की कुछ बेसिक फीचर्स में। हम सबसे पहले हम सेटिंग से शुरू करेंगे और पेस्ट स्पेशल क्लिपबोर्ड तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में जो सेटिंग्स है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं। देखिए, सेटिंग की जरूरत सेम उसी तरह से पड़ती है जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो और उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो, जैसे उसका रिंग टोन, उसका वॉल पेपर, ये चीजें आप सेट करते हो, सेम उसी तरीके से आपका यहाँ भी होता है कि आपने एक्सेल शुरू किया है तो एक्सेल की जो फीचर्स है उसको आप अपने हिसाब से सेट करो। तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि स्क्रीन टेप्स। अब मैंने बताया था आपको कि किस जब हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि किसी भी फीचर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो जस्ट उसके ऊपर कर्सर रख दीजिए। कर्सर रखते उसकी शॉर्ट नोट्स, उसका शॉर्टकट एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल का हेल्प खुल जाता है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आप किसी की इंटरव्यू लेते, हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो हम इसको डिसेबल कर देते थे। क्यों? ताकि कोई भी, अगर मैंने उससे कोई पूछा कि कौन सा फीचर क्या वर्क करता है, तो ऐसे ही उस पर रख के जो दिख रहा है ना, इसको ना बोल दे, तो उसके लिए करते थे। दूसरा, हम लोग जब इसका ये लेते थे, स्क्रीनशॉट लेते थे, स्क्रीनशॉट कब लेते थे, जब हम किसी भी रिपोर्ट, ऑटोमेट की गई रिपोर्ट को टेस्ट करते थे। क्योंकि जब भी कोई माइक्रोज या ऑटोमेशन हम लोग तैयार करते हैं या फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो हमें उसको हर एंगल अप्रूव करने से पहले हर एंगल से उसको टेस्ट करना होता था। तो जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसकी स्क्रीनशॉट हमें लेना होता था। लेकिन जब स्क्रीनशॉट लेते समय गलती से कर्सर चला जाता था तो बीच में एरिया हिडन हो जाता था। तो इस केस में हम एक्सेल ऑप्शंस में आते थे और जनरल के अंदर ही आपका जो ये दिख रहा है सो फीचर्स, उसके जगह पे डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर देते थे। उसके बाद नॉर्मली आपका यहाँ पे है कैलिबरी है, मतलब कि फॉन्ट डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट साइज क्या होनी चाहिए, एक्सेल की सेटिंग क्या होनी चाहिए, ऑथर नेम। ऑथर नेम क्या होता है, जैसे ही किसी फाइल के ऊपर आप जो अपना कर्सर रखते हैं, थर्ड हो तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें जो ऑथर नेम है ना, ऑथर नेम दिख जाता था। ऑथर नेम इस चीज को बताता है कि इस फाइल को आखिर किसने क्रिएट किया है। अब होता है क्या है कि आप लोगों का जो डिफॉल्ट ऑथर नेम है आपकी लॉगिन आईडी होती है, जो आपकी लॉगिन आईडी होती है, और ऑफिस के अंदर में जो लॉगिन आईडी है वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से होते हैं, जैसे कि एडमिन वन, यूजर वन, या आपकी ईमेल आईडी, क्या बोलती है, यूजर आई, जो आपकी लॉगिन आईडी होती होगी ना सिस्टम की, ओ, या अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऑफिस की बैकग्राउंड क्लाउड है, मतलब कि इसकी जो फाइल वगैरह सेव होती है हमारे वन ड्राइव पे सेव होती है। थीम्स कलरफुल है, अब यहाँ पे थीम को चेंज कर दो, उसे डार्क ग्रे कर दिया तो एक्सेल हमारा पूरा डार्क ग्रे हो गया। अब एक बार हुआ ऐसे ही था कि एक मैडम थी साथ में, मैंने कलरफुल वाला एक्सेल पढ़ा रहा था, तो नहीं सर मेरा एक्सेल तो कुछ और है, मेरा तो पूरा ब्लैक ब्लैक है, आप कोई और पढ़ा रहे हैं, लग रहा है वर्जन का फर्क है वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा तो पता चला कि उन्होंने क्या कर रखा था, ब्लैक कर रखा था थीम को। अब थीम ब्लैक है तो इस तरह से ब्लैक दिख रहा था, जाहिर सी बात है इसमें और मेरे कलरफुल वाले में बहुत डिफरेंस है, क्या मिल जी। तो यहाँ से कलर का डिफरेंस कर सकते हैं, कलरफुल करके, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कंट्रोल एस ही करते हैं, तो कंट्रोल एस करते समय जब मोर ऑप्शन पे जाते हैं तो डिफॉल्ट आपका क्या आता है, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वही आता होगा। तो बार बार आपको अपना फोल्डर चेंज करना पड़ता है कि कहाँ पे जाना है, तो ऑप्शन पे आप सेव पे जाके चेंज कर सकते हो कि भाई यहाँ पे फाइल का लोकेशन क्या होना चाहिए डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट आपका फाइल उसी लोकेशन में जाता है। प्रूफिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रॉब्लम होती है सर, ये प्रूफिंग होता क्या है, मैं बताता हूँ प्रूफिंग क्या होता है।
इसमें इसमें देखिए दो चीजें हैं, मैं एक बार ओके बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं अपने एक्सेल में डीएस लिखा, स्पेस मारता हूँ, डेली सेल्स रिपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। एमएस लिखता हूँ, मंथली सेल्स रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस तरह की कीवर्ड आप प्रूफिंग से क्रिएट कर सकते हैं। ओके पहले कुछ ऐसे सेंटेंस जो बार बार आप लिखते हो, और सिर्फ एक्सेल पे वर्क नहीं करेगा, ये आपकी कंप्लीट ऑफिस मेल पे भी वर्क करेगा। अब आउटलुक पे भी डीएस लेके स्पेस मारेंगे ना, अब तो ऑटोमेटिक डेली सेल्स रिपोर्ट आ गया, ठीक है ना। तो आ आप रहे मेल करते हैं तो होता है ना, प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल ऑफ द बिलो, इस तरह करेक्ट मैसेज करेक्ट देते हैं। तो उस हाँ जगह पे आप एक शॉर्टकट बना दे, वहां पे बस एडी लिखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पहले। दूसरी, मान लीजिए आपको किसी का कोई डेटाबेस बनाने के लिए बोला गया, और डेटाबेस के अंदर में ईमेल का कॉलम तो होता ही है। अब किसी का ईमेल आईडी आप लिखते हैं एट द रेट करके आईपीटी, मान लीजिए मेरा देता हूँ IPTIndia.com। एंटर प्रेस करते ही ये ब्लू हो जाता है, ये ब्लू नहीं होता है, बेसिकली ये हो जाता है आपका हाइपर। लिंक लिंक कर रहे हैं। अब मैं मान लीजिए कोई ईमेल आईडी को मुझे सिलेक्ट करके चेंज करना है, तो उस पर डायरेक्ट क्लिक होगा, और क्लिक होते ही आपका आउटलुक वगैरह खुल जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें टाइप करने के बाद सेलेक्ट करके यहाँ क्लियर में जाके रिमूव हाइपरलिंक करना होता समझे। तो आप वेबसाइट एंट्री करते हैं किसी भी एक्सेल फाइल के अंदर में, या कोई पाथ एंटर करते हैं, या फिर कोई ईमेल आईडी एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपका हाइपरलिंक बन जाता है। अब यही सब की सेटिंग जो है आप एक्सेल ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं प्रूफिंग में जाके। तो प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट आपको दिख रहा होगा, ऑटो करेक्ट जाएगा, राइट। ऑटो करेक्ट में सबसे पहले यहाँ आपका ऑटो करेक्ट वाला पार्ट आएगा, जिसमें आप अपने शॉर्टकट्स बना सकते हैं। तो मैंने बना रखा है डीएस और एलिस, मतलब कि क्या वर्ड लिखें और क्या रिप्लेस हो जाए, टाइप करके यहाँ रिप्लेस की जगह पे ऐड होगा, क्लिक कर दीजिएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और बाय डिफॉल्ट से करेक्ट टू इनिशियलाइज कैपिटल, मतलब दो वर्ड कैपिटल लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल कर देता है। आप जैसे ही आप कैप्स लॉक में, आप जो है स्मॉल कैप्स लॉक ऑन है, और आपने एक पहला वर्ड स्मॉल और बाकी आपने ले रखा है अपर ले रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो अपर हो जाएगा। इस तरह की सेटिंग्स यहाँ पे है, जो बाय डिफॉल्ट आपको टाइप करते समय एक्सेल आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करता है। इसी में आउटर करेक्ट एज अ फॉर्मेट वो टाइप करके आता है, जहां पे आपका ये इंटरनेट नेटवर्क पाथ लिंक है, जो मैंने बताया था ना, जब ईमेल डालते हैं तो आपका हाइपर लिंक लग जाता है, उसको यहाँ से क्लिक कीजिए, देन ओके, देन ओके। अब कोई भी ईमेल आईडी आप लिख के एंटर करेंगे तो आपका हाइपर लिंक नहीं बनेगा, जो ओके। हेलो, हाँ सर उसके बाद नॉर्मल सेटिंग्स है, सेटिंग्स होने चाहिए इसमें, ऐसा नहीं कि चेंज हो, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कर्सर है आपका, आप चाहते हैं मेरा कर्सर डाउन में ना जाए, मतलब तो जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर डाउन जाता है, आप चाहते हैं कि लेफ्ट में जाए अप में जाए, तो यू चूज द डायरेक्शन है। उसके अलावा जैसे ड्रैगिंग फाइल बनती है ना, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर देते हैं, वो बेसिकली यहां से बनती है। अगर इसको अनफिल कर दिया आपने तो आपका ड्रैगिंग पॉइंट बनेगा ही। इस तरह की छोटी मोटी चेंजिंग यहाँ पर है जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आगे बताता हूँ, ये आपका सीट लेफ्ट टू राइट का एक्शन, राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो 1 2 3 है यहाँ इस साइड में आ जाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, सीट टैब है पर्टिकुलर फाइल का, वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज है, लेकिन इसमें एक चीज होता है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग सॉर्टिंग वगैरह में भी करते हैं। जैसे आप जैन लिखते हैं और नीचे ड्रैग करते हैं, वो गॉट द कंप्लीट मंथ लिस्ट जैन फेब मार्च। ऐसे आपने यहाँ पे संडे लिखे,
आप यहाँ पे संडे लिखते हैं, संडे लिखने के बाद सिलेक्ट किए और ड्रैग कर दिए गौर द रिजल्ट कंप्लीट वीकेंड लिस्ट। बट क्या आप मान लीजिए किसी पर्सन का नेम, जैसे मैंने पूजा लिख दिया, तो नीचे ड्रैग करने पे आपके सिस्टम में पूजा 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 आएगा, लेकिन मेरे सिस्टम में एक कंप्लीट लिस्ट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर एक्सेल लिख दिया तो मेरे कोर्स के लिस्ट आएंगे, अगर मैंने सिटी मान लीजिए पुणे लिख दिया तो मेरे सिटी के लिस्ट आएंगे। ये लिस्ट आपके सिस्टम में होगा, मेरे सिस्टम में। अब आने से फायदा क्या है, क्योंकि कि कोई पर्टिकुलर एक फाइल पे नहीं आ रहा है, ये ओवरऑल एप्लीकेशन में आएगा किसी भी एक्सेल फाइल के अंदर। तो आपके पास अगर मान लीजिए कोई ऐसी नेम लिस्ट है जो बार बार आप कॉपी पेस्ट करते हो बनाते हो, या सिटी लिस्ट है या प्रोडक्ट लिस्ट है क्लाइंट लिस्ट है, तो आप जो है एक्सेल फाइल के अंदर एक्सेल ऑप्शंस के अंदर आप एडवांस में सबसे नीचे जब आइएगा तो आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे जाइए और यू हैव मेक द लिस्ट, न्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करके ऐड कीजिए। अगर टाइप की लिस्ट है तो यहाँ से सिलेक्ट करके इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। अमित जी समझ में आया आपको? जी सर। मैम आपको? हाँ जी सर। तो आगे चल के जब क्लासेस में मैं कोई नेम लिख कर ड्रैग करूंगा तो प्लीज चौंकिएगा मैं, क्योंकि मैंने लिस्ट क्रिएट कर उसके लिए यहाँ पे एक चीज और आती है कस्टमाइज रिबन। अब जैसे ऊपर आपके जो मेनू बार दिख रहा है, होम फाइल इंसर्ट पेज लेआउट आप दिख रहे हैं ना, इस मेन्यू बार को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। अब जरूरत क्यों पड़ती है कस्टमाइज की, सारे फीचर्स तो है लेकिन आप इसी में करेंगे कमांड नॉट इन रिबन तो यू हैव गॉट द मैनी लिस्ट, दिस फीचर्स नॉट इन योर मेन्यू बार, समझे। अब इन फीचर्स को आप लाएंगे कैसे अपने सिस्टम में, तो आपको सबसे पहले जिस मेनू बार में लाना है उस मेनू बार को करना पड़ेगा सिलेक्ट, उसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा न्यू ग्रुप, उसके बाद फीचर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। विदाउट न्यू ग्रुप किए हुए आप नहीं ला सकते, समझे। जैसे कैलकुलेटर, मैं चाहता हूं कि इंसर्ट के अंदर कैलकुलेटर ऐड हो जाए, राइट। तो हमने लास्ट में यहाँ पे एक लास्ट यहाँ सेलेक्ट करके लास्ट में मैंने न्यू ग्रुप बना लिया एंड कैलकुलेटर को यहाँ पे ऐड कर दिया। उसका कैमरा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको ला सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ओके करते ही आप देखेंगे इंसर्ट मेनू बार के अंदर एक नया फीचर ऐड हो जाएगा, आप यहाँ देखिए आ गया। अब उसका नाम कस्टम दिख रहा है ना, आप चाहते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर दिखे तो आपने यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में कस्टमाइज रिबन्स के अंदर में ये न्यू ग्रुप है ना, इसको रिनेम कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए कैलसी या कुछ भी नाम देना चाहते हैं। आइकन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यू गॉट द आइकन ऑल्सो एंड ओके। इस तरह के फीचर्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी मेनू बार को आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेनू बार नहीं चाहिए, सर ड्रॉ दिख रहा है ना, मैंने चाहता ड्रॉ मुझे दिखे, तो आप यहाँ से ड्रॉ जो हमारा मेनू बार है उसको जस्ट अनचेक कर देना, या खुद के मेनू बार बना भी सकते हैं न्यू टैब पे क्लिक कर। जैसे मैंने यहाँ पे आरसी बनाया हुआ है, न्यू टैब पे क्लिक कीजिए और अपना बना लीजिए टैब। जैसे एडिंग्स वगैरह के लिए हमने आरसी के नाम से बनाया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर रखा है ताकि मेनू बार में नहीं दिख रहा है। अब कुछ कुछ फीचर्स आप देखेंगे मेरे नए नए फीचर्स, होम में देखिए यहाँ पे सेंड एसएमएस, बारकोड, डेटा एनालाइजर, ये आपके सिस्टम में नहीं होगा क्योंकि ये सारे मैंने इम्पोर्ट किए हुए हैं फीचर्स। अब कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको कस्टमाइज इवन में मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं इंसर्ट के अंदर गेट ऐप से। गेट ऐप एक तरह के स्टोर होता है, जैसे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है ना, जहां पे आप कुछ
अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग एप्स को डाउनलोड करते हैं, ऐसे यहाँ पे है, आप अलग अलग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी मैंने बारकोड का कर रखा है ताकि क्यूआर कोड या बारकोड जनरेट हो जाए। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता वो आता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब ऊपर में सबसे ऊपर में देखते होंगे ना जिसमें सेव है, सेव का, एंडो का, रेडो का ऑप्शन होता है, इसमें आप अपने हिसाब से और चीजें भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स डाल रखा है, कैलकुलेटर डाल रखा है, आपका फोल्डर ओपन डाल रखा है, और यहाँ पे मैंने सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग डाल रखा है, सॉर्ट डिसेंडिंग डाल रखा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना, नीचे आ जाएगा। इसका फायदा क्या होता है कि आपको इसको अप्लाई करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए मैं हूँ किसमें डेवलपर टाइप, अब मुझे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आना पड़ेगा होम टैब के अंदर, यहाँ जाके सिलेक्ट करना होता है बॉर्डर अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं पे सिलेक्ट करके अपना बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। एक और फीचर है कि मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड का तो यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 नंबर दे दिया, तो देखिए 4, और फिर मैं यहाँ पे ए कर दूंगा तो अप्लाई हो जाएगा। या कैलकुलेटर ओपन करना है तो ऑल्ट 5 ओपन करते हैं, कैलकुलेटर ओपन हो गया। ठीक है मैम? हाँ सर। ये फाइल की हमारी सेटिंग्स थी, अब छोटी मोटी सेटिंग्स करेंगे आपको फायदा होगा। अब इसमें एडिंस हो गया और ट्रस्ट सेंटर हो गया, ये फिलहाल आपके सीखने के लिए नहीं है क्योंकि ये एडिंस के लिए होता है। अब एडिंस होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेम पीएचपी का प्रोग्रामर है या फिर पाइथन का प्रोग्रामर, आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपने बोला कि भाई मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट है एक प्रोग्राम बना दो जो एक्सेल में चल जाए, तो बात यह है कि वो प्रोग्राम बना के दे तो देगा, बट आप ऐड कहाँ करेंगे, क्योंकि एक्सेल के साथ ऐड होना चाहिए ना, या फिर वो ये एक अलग प्रोग्राम बना के देगा, अलग ईएक्सई फाइल बना के देगा जिसको इंस्टॉल करने के बाद वो आपका एक्सेल को पैच करेगा, या फिर वो एडमिन्स फाइल बना के देगा, तो एडमिन्स में आप जाइएगा गो और ब्राउज करके उसको अपने एक्सेल में ऐड कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐड की हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लिप बोर्ड। अब हम आ गए हैं होम मेनू बार में, होम मेनू बार में हम बात कर रहे हैं क्लिप बोर्ड की। क्लिप बोर्ड, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं सेल्स भी रख देता हूँ, नंबर्स भी कुछ रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मा लगाता हूँ। रैन बिटवीन क्या करता है, रैंडम नंबर देता है बिटवीन टू, जो आपने लोअर हायर दिया हुआ है उसमें से रैन बिटवीन, और हमेशा चेंज होते रहता है। तो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा डेटा बना लिया हुआ, ठीक है, अब मैं इस डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करके जहां भी जाना है कॉपी कीजिए, पेस्ट करें, पेस्ट हो गया। अब ये नंबर चेंज हो गया, इस पे आप कोई घबराइए नहीं, बेसिकली रैन बिटवीन का फीचर ही ऐसा होता है कि जब भी कोई भी इफेक्ट होता है एक्सेल पे वो अपना वैल्यू चेंज कर देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ कि इस पे मैंने पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि डेटा के कुछ पार्ट को पेस्ट करना, पार्ट की मतलब क्वांटिटी से नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी से है, जैसे मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग नहीं लेना या वैल्यू लेना या बॉर्डर नहीं लेना, ऐसी चीजें। इस केस में हमारा पेस्ट स्पेशल काम करता है, जब पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको दिखेगा ऑल, ऑल इट मींस जो डेटा है ना जैसा है सेम वैसा पेस्ट हो, ऑल कॉपी पेस्ट जस्ट लाइक। लेकिन जब मैं फॉर्मूला सिलेक्ट करूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूला आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं फॉर्मूला तो ठीक है बट इसने जैन फैब नेम वगैरह क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला नहीं था। तो फॉर्मूला से इनका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला बार में विजुअल है वही पेस्ट होगा, या फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला जैसा वैसा पेस्ट हो जाएगा, या कोई डेटा है तो जैसा डेटा ऊपर यहाँ दिखता है उसी तरह का पेस्ट हो जाएगा, बट इसकी जो फॉर्मेटिंग्स है, इसके जो कमेंट्स है, इसके जो बॉर्डर्स है, वो चीजें पेस्ट नहीं हो। अब फॉर्मूला पेस्ट तो हो गया चलिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इसकी वैल्यू रिमूव होके पेस्ट हो, मतलब कि सॉरी फॉर्मूला रिमूव होके पेस्ट हो,
तो उस केस में पेस्ट स्टेशन में हम यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं। ये देखिए हमारा, अभी देखिए यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और किसी और लोकेशन, चाहे वो सेम सीट हो सकती है, डिफरेंट सीट हो सकती है और डिफरेंट फाइल हो सकती है, हमने डेटा को पेस्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने जो डेटा पेस्ट किया ना, किसी और लोकेशन में पेस्ट किया है। मैं चाहता हूं मेरा जो फॉर्मूला रिमूव करना है, लेकिन जैसे कि जहां डेटा है ना उसी का फॉर्मूला रिमूव कर देना है, इसको कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट नहीं करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव द फॉर्मूला। तो आप क्या करें, कॉपी करें और उसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू करें। ये बड़ी काम की चीज है सर। अब काम की चीज कैसे है, इसके लिए मुझे एक छोटा सा रिपोर्ट ओपन करना पड़ेगा। तो आपके सामने मैंने रिपोर्ट ओपन किया है और इस रिपोर्ट को मुझे भेजना है किसी को, समझे। तो मैंने क्या किया, अब मुझे भेजना है तो फाइल भेज दीजिए। तो नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आई हैव द डेटा और डेटा मेरा बहुत लार्ज है या फिर कॉन्फिडेंशियल है। सो मैं बंदे को जस्ट उसकी समरी भेजना चाहता हूँ। मैं ये भेजना चाहता हूँ कि हाँ, इसने एस सीरीज में 111 केस सेल हुआ है। मैं ये नहीं भेजना चाहता कि किसने कौन कौन एस सीरीज कब कब खरीदा है, कितने में खरीदा है, कितना उसको डिस्काउंट मिला है, ये चीजें नहीं भेजना चाहता क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल है मान ली। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक सीट को मेल करना चाहता हूं। उस केस में मैं राइट क्लिक करूंगा सीट नेम के ऊपर, मूव एंड कॉपी। अब ध्यान रखिएगा, जब ऐसा करते हैं ना तो क्रिएट कॉपी पे जरूर क्लिक कीजिए, वरना क्या होगा कि सीट मूव हो जाएगी। और मुझे नई फाइल में करना है तो यहाँ पे ऊपर जो टू बुक दिख रहा होगा इसमें आप कर दीजिए न्यू बुक देन ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि एक नई फाइल में ये हो गया, बट अभी भी इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मेरे सिस्टम पे चल रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में फाइल अवेलेबल है, बट आपके सिस्टम में या किसी और जिसको मैं भेजना चाहता हूँ उसके सिस्टम में ये फाइल तो होगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वो एरर देगा या फिर अपडेट नहीं करेगा, प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे सारे फॉर्मूले रिमूव करने और फॉर्मूले कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे यहाँ है फिर यहाँ नहीं है फिर यहाँ है, ऊपर में यहाँ पर है बट यहाँ है, बीच में बहुत सारा ब्लैंक एरिया है, पिक्चर्स है, चार्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ ये चीजें छेड़छाड़ ना हो, जैसा है वैसा ही रहे, बस फॉर्मूला रिमूव हो जाए। तो आप वो क्या करेंगे, एक एक करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वन और ए है इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल दिखेगा जिसपे क्लिक करने पे पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट हो जाता है। तो कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और सिलेक्ट द वैल्यू, जस्ट क्लिक ओके। कोई चेंजिंग दिखा आपको, आपका रिपोर्ट के फॉर्मेट में, फॉर्मेटिंग में, चार्ट में कोई चेंज नहीं है, बट यहां देखिए योर फॉर्मूला विल बी रिमूव, सारे फॉर्मूले रिमूव। ठीक है अमित जी, मैम कुछ दिक्कत है? नहीं नहीं सर, नहीं समझ में आया पूरा। इस तरह से आप करके फिर फाइल सेव करके फिर किसी चीज को भेजना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम इसकी जस्ट फॉर्मेटिंग चाहते हैं, जो लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग चाहते हैं। राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल, सिलेक्ट द फॉर्मेट एंड ओके। कमेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई इंफॉर्मेशन हिडन इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे स्टार टाइप का नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कमेंट डाल देते हैं। इंसर्ट यहाँ पे न्यू कमेंट, अब यहाँ पे डाल देते हैं कि दिस इज फाइनल एम, यहाँ पे टाइप करो। अब ये जो फाइनल ये जो मैसेज है ये कब दिखेगा, जब मेरा माउस का पॉइंटर उस सेल पे ब्लिंक करेगा, हट जाएगा तो नहीं दिखेगा, रहेगा तो दिखेगा इस तरह से। ठीक है,
अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो कमेंट है सिर्फ वही पेस्ट हो, तो जस्ट यूज द पेस्ट स्पेशल, सिलेक्ट द कमेंट्स एंड नोट्स एंड ओके। उसके बाद कभी कभी क्या होती है कि हमें जस्ट अपना बॉर्डर नहीं चाहिए होता, सब कुछ चाहिए बट बॉर्डर नहीं चाहिए। पेस्ट स्पेशल यहाँ पे दिखेगा ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर एंड ओके। आप देखिए आपका सब कुछ आया बट बॉर्डर नहीं आया। अब क्या होता है कि हम पूरी सीट को सिलेक्ट करके किसी भी कॉलम के जो बॉर्डर है ना उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो फिट हो जाता है, पर जितना साइज कॉलम को चाहिए उतना साइज हो जाता है। लेकिन जब डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं, कॉपी किए और कहीं पेस्ट करते हैं ना, तो आपका डेटा आपकी कॉलम की विड्थ को लेके नहीं जाता है। अब इससे दिक्कत होगी, अभी थोड़ा पहले जो आपने रिपोर्ट देखा उसमें देखा था हमने बहुत सारे कॉलम और रो को छोटा करके एक पेज पे विजुलाइज किया हुआ था, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है रिपोर्ट कॉपी पेस्ट करें तो। उस समय इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल आप कीजिएगा कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ। पर ध्यान रखिएगा कॉलम विड्थ जो है वो सिर्फ विड्थ को पेश करता है डेटा में। अगर डेटा अगर दोनों पेश करना चाहते हैं तो आपके पास लेटेस्ट एक्शन होना चाहिए 13 के ऑनवर्ड। तो आप जब करेंगे ना तो इसमें आइकन्स दिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए आइकन्स, आइकन्स में आपके ए आइकन दिखेगा, इस पर कर्सर जाते शो होगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ। इसमें आपका आपका डेटा भी आ जाएगा, कॉलम की विड्थ भी आ जाएगा। ओके अच्छा आप बात करते हैं डेट्स में। अगर डेटा के अंदर में कुछ डेट्स पड़े हुए हैं या टाइम पड़ा होगा तो जनरली जब आप उसको वैल्यू पेश करते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है ना। पता है नंबर है क्या, क्या इंडिकेट कर रहा है, 44,562 जो दिख रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसे क्या समझ रहा है, क्या कोई कोड है, क्या है अमित जी बताएंगे आप? ये सर जब वो बना था एक्सेल उस टाइम से अभी तक का डेट है क्या? सर एक्सेल को आप आई थिंक 95 के आसपास बना था, 95 के आसपास बना था। मैम आपको पता है? नहीं नहीं सर नहीं पता। देखिए ये सर 1 जनवरी 1990 से डेट ले रहा है क्या सर? 90 नहीं सर 1900। बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। एक्सेल जो है जब आप डेट टाइप करते हैं, आज की डेट में टाइप किया 13/6 तो ये 10 जून दिख रहा है, बट उसने स्टोर क्या किया पता है, उसने स्टोर किया 44725, मतलब नंबर ऑफ डेज कब से, 1st Jan 1900 कंप्यूटर का स्टार्टिंग कैलेंडर। आपकी कंप्यूटर का कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है 1st Jan 1900। अब ये चीज ध्यान रखिएगा इससे पहले की डेट, जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 18 सितंबर 1856, तो सिस्टम इसको डेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मतलब इसमें आप मान लीजिए 20 दिन ऐड कर रहा हूँ ना तो वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले 1st Jan 1900 से पहले का डेट एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और 1st Jan 1900 इसका मतलब समझे, इसका मतलब इसका वन डे, थिंक वन डे। आपको साबित करने के लिए बोले तो इस तरह साबित कर सकते हैं कि भाई वन लिखे तो 1st Jan 1900 आया, अगर मैं यहाँ पे 367 कर देता हूं तो देखिए ईयर चेंज हो गया। उसी तरह से मैं 44725 लिखूंगा तो आज का डेट आएगा। अब प्रोग्रामर ने ऐसा सिस्टम किया क्यों, वो सिंपल ही देख सकता है इस वर्ड में होता है कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे कि एक्सेल कहता है कि आपने नंबर के साथ कोई भी करेक्टर या कोई भी कुछ भी अगर आपने नंबर के अलावा एड कर रखा है तो इसमें हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट डेट के अंदर आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेट जो है दिख रहा है 13 जून, बट एक्चुअल में क्या है 44725 और एड हो क्या 44745, मतलब डेट
दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, नंबर होता है। जब डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 31 के बाद मंथ, 365 के बाद ईयर चेंज कर आपको एक डेट का फॉर्मेट शो करता है। लेकिन जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट। क्या बोला गया है? रिमूव ऑल फॉर्मेट। और डेट टाइम भी एक तरह का फॉर्मेट है, इसलिए उसको भी रिमूव कर देता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि पेस्ट स्पेस करते समय मुझे डेट एंड टाइम भी चाहिए होगा, या नंबर की फॉर्मेटिंग या डॉलर साइन लग रहा है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर ऊपर, इन दोनों के जगह पे आप इनको यूज करते हैं। तो आपका कोई और फॉर्मेटिंग तो नहीं आएगा, बट नंबर फॉर्मेट, जैसे डेट टाइम डॉलर। नंबर फॉर्मेटिंग क्या क्या होता है? ईयर नंबर फॉर्मेटिंग होता है। ये सारी फॉर्मेट आपको आएगी, बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। समझ गए? अच्छा तो यहाँ पे होता है। अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा सिंपल सी टॉपिक है, जैसे कि हम यहाँ पे 20 पे लिखे, यहाँ पे 30 लिखे। 20 को कॉपी किया, 30 के ऊपर पेस्ट किया, 30 रिप्लेस बाय 20, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि पेस्ट स्पेशल के अंदर में यहाँ एक ऑपरेशंस होता है, जिसमें हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये 30 और 20 ऐड होके 50 हो जाता है। हो गया? मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे आपको क्या करना है, आपको करना क्या है इसमें? करना ये है कि आपको इसका कोई ऑफिशियल यूज खोजना है। समझे? नहीं सर, नहीं समझे, ऑफिशियल न्यूज़। मतलब कि आप इसका बेनिफिट क्या होगा, कुछ ऐसा काम जिससे आपको इसका बेनिफिट हो। नहीं सर, नहीं सर। इसका कोई यूज कर सके आप अपने ऑफिस में, रिसर्च करना है आपको इस पे, ठीक है। आज जो चीजें बताई है उसकी प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में इसको रिसर्च भी करना। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। हाँ।